सुन्नी मुस्लिम वकफ कमिटी द्वारा यूपीएससी जीपीएससी ना क्लास शुरू करवामां आव्या। अमदावाद खाते सुन्नी मुस्लिम वकफ कमिटी सुल्तान अहमद इंस्टिट्यूट द्वारा सिविल सर्विस नी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी माटे कैपेसिटी बिल्डिंग ना क्लास शुरू करवामां आव्या छे। SICSE टीम द्वारा यूपीएससी ने जीपीएससी एटले के सिविल सर्विसेस नी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी माटे कैपेसिटी बिल्डिंग ना क्लास शुरू करवामां आव्या, जेमां अद्यतन क्लासरूम, डिजिटल स्मार्टबोर्ड, स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी अने वगैरह इन्फ्रास्ट्रक्चर साथ ट्रेनिंग माटे पहलू केन्द्र अमदावाद सुन्नी मुस्लिम वकफ कमिटी यतीम खाना बिल्डिंग सलापस रोड खाते अने बीजू केन्द्र मदीना खिदमत ट्रस्ट कमिटी जमालपुर खाते शुरू करवामां आवेल छे। आ उपरांत SICSE नी टीमना मुख्य धरोहर समान गुजरात राज्यना रिटायर्ड IAS IPS अने IFS ऑफिसर अने निवृत्त ब्यूरोक्रेट પોતાના અમૂલ્ય સમય અને અનુભવોને આધારે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે। ઉપરાંત અહીં જે તે વિષયના નિષ્ણાતો ફેકલ્ટીને બોલાવીને પણ આ વર્ગના તાલીમાર્થીઓને સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા માટે તાલીમ આપશે। સદરહુ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનો લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ ટાગોર હોલ અમદાવાદ ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો। સમારંભમાં સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રમાં યોગદાન આપનાર અને સમાજના વિકાસ માટે રચનાત્મક કામ થકી પ્રશંસનીય યોગદાન આપનાર મહાનુભાવોને परवाज ए शाहीन पुरस्कार थी सम्मानित करवामां आव्या। आ साथे ज टीम काका ने फ्रिक ए अवकाक अने जे युवानो ए अथाग प्रयत्नों थी ताजेतरमां सरकारी नौकरी प्राप्त करवानी सिद्धि हासिल करी छे तेमने आलमदार ए महाशरा पुरस्कार थी सम्मानित करवामां आव्या छे। आ कार्यक्रम लॉन्च करवानो मुख्य उद्देश्य समाजना तेजस्वी तारला युवक युवतीओने जे सिविल सर्विसेसमां जोडावा मांगे छे तेमने प्रेरणा ने प्रोत्साहन पूरु पाड़ी घनिष्ठ तालीम पूरी पाड़वानो टार्गेट छे। नाम एम ए नरमावला, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूं और मैं फिशरीज कमीशन गुजरात स्टेट से रिटायर्ड हुआ था और मैं 1998 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर फिशरीज कमिश्नर पर मैं रिटायर हुआ था और मैं GPSC की गुजरात GS के एग्जाम में पूरे गुजरात में टॉप पोजीशन हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के द्वारा? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि सुल्तान अहमद सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद शिक्षा नाम की इंस्टीट्यूट का अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वकफ कमेटी और मदीना खिदमत ट्रस्ट कमेटी के साथ मिलकर हमने उसका आज आगाज किया है, उसकी शुरुआत की है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80 स्टूडेंट्स अभी तालीम ले रहे हैं और हमारा विजन है कि इस इंस्टीट्यूट के जरिए से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे 3 साल के अंदर कम से कम 500 बच्चों को तालीम देके उनको IAS IPS IFS या सिविल सर्विस की एग्जाम के लिए उनके कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको तैयार करें, उनको उसके लिए तालीम दें और इस तालीम के लिए हमारे पास इंटरनेशनल मॉड्यूल लेवल का पूरा कोर्स है। इस तालीम के लिए हमारे पास पूरे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम है और दोनों ट्रस्ट के खिदमतगार ट्रस्टीज और वॉलंटियर्स इसमें शामिल हैं। इसमें हम सब मिलके हम इस हमारी सोसाइटी में से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां IAS और IPS की IAS पोजीशन हासिल करें, इसके लिए हम उनको बिल्ड करना चाहते हैं। और सर, जो सिविल सर्विस नौकरी होती है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होते हैं, जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं वो नहीं कर पाते, इतनी अप्रोच फीस जो होती है उसकी, उसके लिए क्या आयोजन है आपको? जो ट्रस्ट अभी जो कार्यक्रम आपने फीस वगैरह उसके लेके क्या है? जो बच्चों का को अगर कोई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनका वो है तो हम यहाँ की जो हमारे समाज में जो डोनर्स हैं या जिनको कॉन्टेक्ट करके उनके लिए जो भी उनके लिए हम इंतजाम कर सकेंगे इंतजाम करेंगे और उनको भी हम इसमें इसके साथ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में कितने सेंटर बनाने का आपका कोई लक्ष्य है? पहले फाइनेंस के बारे में इतना मैं कहूंगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लोग 50,000 रुपए फी देते हैं, यहाँ मुश्किल से पर मंथ की 1,000 रुपीज फी है, कोई फी है ही नहीं, टोकन फी, जस्ट फीस की उनको सीरियस पता चले, सीरियस रहे, इसलिए टोकन फी जैसा रखा हुआ है। मेरा नाम रिजवान कादरी है, मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। बड़ा साहब भाई, हमारे जो ट्रस्टी ने जो बताया उसको सिर्फ मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ इदारा है,
वो इदारा के पास रेंट की इनकम आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रेंट की इनकम में थोड़ा सरप्लस हुआ, बड़ा साहब ने जैसे बताया। तो हमने एक ये विज़न से काम स्टार्ट किया है। अब जैसे किसी बच्चे ने किसी ने अभी क्वेश्चन किया था कि क्या है, अभी तक हम लोग ने तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और हर महीने 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ सब जो निकल के 80 बच्चे हैं, 40 हमारे इंस्टीट्यूट में, 40 मदीना में, उसमें से एक महीने में यानी मुश्किल से 40,000 रुपये आते हैं और एक महीने का मुश्किल से खर्च हमारे को तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा पड़ रहा है और सेम टाइम पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए या पाएगा, ये एक कौम की खिदमत करने की मिशन से हम लोग जुड़े हुए और कौम की खिदमत के लिए ये चल रहा है। सबसे बड़ा नंबर पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आज के ज़माने की हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बेरोज़गारी की लोग बात करते हैं तो बेरोज़गारी के साथ के रोज़गारी भी होना ज़रूरी है और अच्छी रोज़गारी होना ज़रूरी है। वो हमारे शिक्षा की टीम का विज़न है, उनका कहना है कि निशान चूक मात नहीं के नीचे निशान। तो एक अच्छे मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए ये हम लोग कोशिश करते हैं और ये उसी का एक मतलब में इनिशिएटिव है। और जिस तरह से बताया कि ये सब सेंटर हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और एक शिक्षा का अपना खुद का हाउस हो और यहीं से सेंट्रलाइज सिस्टम से हर जगह मतलब मैं गांव-गांव तक मतलब मैं हम लोग ये चीज़ को पहला सके, ऐसी हमारे एक विज़न के साथ हम लोग ये बड़े विज़न के साथ जुड़े हुए हैं। सर आज कितने अवार्ड दिए गए, किस टाइप के थे, आज क्यों दिए गए? आज का दिन में एक्चुअली प्रैक्टिकली लॉन्चिंग ऑफ शिक्षा जो प्रैक्टिकली काम था, मगर हम लोग ने आज 3 टाइप के अवार्ड दिए हैं। एक तो परवाज़ शाहीन, शाहीन जिस तरह से ऊंची उड़ान उड़ता है, इसी तरह से ये कौम के लोग ने ऊंची उड़ान की, कुछ हासिल किया हुआ है, ऐसे लोगों को मतलब मैं लोगों तक कौम जाने, तो इसीलिए ऐसे लोगों को तकरीबन ऐसे 19 लोगों को अवार्ड दिया गया हुआ है। दूसरा अवार्ड दिया हुआ है रफ़ी के औकाफ, हमारे औकाफ के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं, वो हमारे रफ़ीक हैं, उनको हम लोग अपने मानते हैं और सराहते हुए ऐसे हम लोग ने 12 लोगों को रफ़ी के औकाफ का अवार्ड दिए हुए। और दूसरे तकरीबन 18 अवार्ड हम लोग ने अलमदारे मुआसरा का अवार्ड दिया हुआ है। वो अवार्ड इसी तरह से है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ गए, वो बच्चे ने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, तो उसको भी मतलब मैं हम लोग मतलब मैं वैल्यू करते हैं कि आने वाले दूसरे बच्चे सोचे कि हम लोग भी ऐसे कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उनको भी सराहते हुए हम लोग ने ये अवार्ड दिया हुआ है। सर इधर एक खास एक बात बताइए कि वक्फ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है इस तरीके के काम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए क्या करेंगे? टेक्निकली जैसे एक ये प्रोग्राम है उसके थ्रू वक्फ के थ्रू आज का भी, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग वक्फ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, शायद अभी बड़ा साहब जहीर बाबू वक्फ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, उसके बाद मैं भी थोड़ी वक्फ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके जरिए लोगों को मिसकंसेप्ट, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों को वक्फ की स्ट्रेंथ क्या, उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी मेरे शुक्रिया। शुक्रिया। आईएएस आईपीएस हूँ। और गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के जनाब अफजल भाई मेमन से रिक्वेस्ट हासिल करें। नेक्स्ट है जनाब लुकमान शेख जूनियर असिस्टेंट UGVCL, उनको मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि आप आए और अलंकार मार्शा अवार्ड हासिल करें। नेक्स्ट है हमारे समीर शेख जूनियर क्लर्क कृषि यूनिवर्सिटी, शुक्रिया रफीक भाई आपका बहुत। मैंने 3.5 महीने पहले सहकारिता मंत्रालय में भारत सरकार में संयुक्त सचिव का पद ग्रहण किया, इसके साथ मैं NCDC का भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर IPL जैसी जो ऑनहार कंपनी है, ऑनहार भी नहीं कहूंगा, जो इतनी परिपक्व कंपनी होते हुए और इतने आगे की तरफ बढ़ रही है,
ताकि सभी शेयर होल्डर्स ने मुझे मौका दिया, चेयरमैन की दायित्व दिया, ये एक बड़ा दायित्व है। लेकिन जिस तरह से हमारे एमडी साहब ने अभी बताया कि किस तरह की परिस्थितियों में आईपीएल कहां से कहां आया, और आज की परिस्थिति में हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं और इतने यशस्वी और इतने दूरदर्शी इस सेक्टर के बारे में, और जो भारत सरकार की जो सोच है कि इसको कैसे हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे जाना है, और कोई हमारा हाथ पकड़ के हमको इधर उधर नहीं कर सकता। ये अहमदाबाद की कॉर्पोरेट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी और आईपीएल के चेयरमैन पंकज बंसल जी, हमारे आईपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर गहलोत जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सभी उपस्थित डीलर बंधु भाइयों में, जब कोई व्यक्ति की अपनी उपस्थिति में ज्यादा प्रशंसा होती है तब जिसकी प्रशंसा होती है उसकी हालत बिगड़ जाती है, और स्वाभाविक तौर पर मैं उसके लायक हूं कि नहीं हूं ऐसा सोचना भी हमें होता है। दोस्तों, फर्टिलाइजर खाद खाकर एक खेती में एक जूतो न पाड़ी सकता है वो अंश है। खातर वगर उत्पादन आपने वधारी सकिए नहीं, अपना शरीर में पर पूरतू पोषण ना मिले तो अपना शरीर का विकास बराबर ना है। एक रीते खातर ये उत्पादन माटे आवश्यक है, उत्पादन वधारवा माटे, उत्पादन टकाले राखवा माटे, फसल ने जो ये प्रकार का न्यूट्रिएंट मिलता रहे ये तो आवश्यक है, अरे न्यूट्रिएंट मिलवानो एक माध्यम एक रस्तो अटले खाद है, खातर है। अरे जारे आपने जमीन अंदर जो खातर नाखे छे, खातर बे प्रकार है, एक मिनरल्स ना रूप में छे अने केमिकल्स ना रूप में छे। मिनरल्स ना रूप में आपवामां आवेल खाता खाद ए बे रीते उपयोगी छे, एक आपणा शरीर ने अंदर पर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होय एवी स्थिति ने ता आपणे गोळी थी इंजेक्शन थी न्यूट्रिएंट लईए आपको विकास जलवाय इतना माटे। એવી રીતે આપણે બહારથી આપણા શરીરમાં ન્યુટ્રિયન્ટ ના લેવા પડે અને નેચરલ ન્યુટ્રિયન્ટ મેળવવાનો પણ એક રસ્તો એ ફર્ટિલાઇઝર છે, ખાદ છે, ત્યાં પણ આપણા શરીરની અંદર પોટાશ જરૂરિયાત છે,